हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? बेटा आज कूडी मोशन का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले पिछला जो कूडी का फर्स्ट लेक्चर है वो देख लीजिए, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन की लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन कैसे किया था कि भैया जो कूडी मोशन है उसको कैसे करना है, उसको एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंट उसका एनालिसिस करना है, ये हमने पढ़ा था। आज बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके और फिर उसकी बाकी डेरिवेशंस करते हैं। डेरिवेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन भाई, अब सवाल ये कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज है भाई? किसी भी पार्टिकल को आप किसी भी एंगल पे फेंक दो जो एंगल 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ऐसा जो भी मोशन होगा उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा बेटा। तो भाई जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि हमने ऐसा किया था ना बेटा कि यहां से थीटा एंगल पर यू स्पीड के साथ, या तो इसकी यू स्पीड मान लो बेटा, और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक बेटा ये यू एक्स होगा जो एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा यू वाई होगा जो कि वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये एक्स ये वाई, लास्ट क्लास में ये प्रूव कर चुका था मैं कि ये जो पाथ जो ये फॉलो करेगा बेटा, इस तरह का जो पार्टिकल है वह पैराबोलिक पाथ होगा। वो कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक पाथ होगा बेटा, एक तरफ इसका यूनिफॉर्म मोशन रहेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। तो भाई ये जो आएगा दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट, ये जो है बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज रेंज। टॉप मोस्ट पॉइंट पे बेटा सिर्फ यू एक्स इसके पास रहता है, यहां पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। तो एक एक करके इसके बेटा डेरिवेशन हम करने शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा डेरिवेशन कर लेते हैं किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पहली बात तो ये कि टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या चीज बेटा। सो दिस इज द टाइम इंटरवल, दिस इज द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच पार्टिकल रिमेन्स इन एयर। जितने समय में आपने जब एक बार पार्टिकल को फेंक दिया बेटा, तब से लेकर के पार्टिकल जितनी देर हवा में है उसको उसका क्या कहा जाएगा बेटा, उसको उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाएगा बेटा। क्या कहा जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाएगा। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये समय है तो इसकी यूनिट भी सेकंड होगी। तो चलो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन कर लेते हैं भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो बेटा ये ओ मान लो, ये पॉइंट ए मान लो और ये बी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा ओ से बी तक जब हो जाएगा, तो देखो ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी और ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन बेटा पूरे मोशन के दौरान, ये बात बिल्कुल सही है कि वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। वाई को भैया इनिशियली भी वाई कोऑर्डिनेट 0 था, फाइनली भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वाई के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। तो बेटा नाउ यूजिंग एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो बेटा इसको जरा सॉल्व कर दिया जाए, एस वाई आपका 0 है, यू वाई कैपिटल टी माइनस हाफ ऑफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। बेटा ये लास्ट क्लास में मैं सब बता चुका था कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है, वाई के अलोंग क्या है, ये सब हम डिस्कशन कर चुके थे। तो भाई अब यहां से क्या आ जाएगा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u y / g। ये तो बेटा असली फॉर्म जो है टाइम ऑफ फ्लाइट की यही है, बट कुछ बुकिश लैंग्वेज है उसको भी लिख देते हैं कि यू वाई को बेटा आप यू साइन थीटा लिख सकते हो। तो आप एक और फॉर्मेट से टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हो, टी इज इक्वल टू 2u sin θ / g। अक्सर बुक्स में आपको यही डेरिवेशन मिलेगी। यहां पे खास बात क्या आया बेटा कि टाइम ऑफ फ्लाइट
is independent of ux. बेटा x के अलोंग आपने इनिशियल क्या स्पीड दी है ये उसके इंडिपेंडेंट है बेटा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन UY, बेटा सिर्फ UY पे डिपेंड करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मान लो आपने एक पार्टिकल को फेंक दिया बेटा, किसी भी एंगल पे फेंका, मान लो 30 डिग्री के ऊपर फेंका, और इसका जो x कंपोनेंट है वो मान लो कि 50 मीटर पर सेकेंड है, और y कंपोनेंट आपने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका। वहीं पे एक दूसरा पार्टिकल है, उसका बेटा x कंपोनेंट 30 मीटर पर सेकेंड और y कंपोनेंट 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंक दिया। तो आप इन दोनों केस में देखो कि दोनों केस में UY सेम है, दोनों का जो y कंपोनेंट है, इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ स्पीड वो सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट से उसी पे डिपेंड करेगा। इसलिए बेटा इस पर्टिकुलर केस के अंदर दोनों ही केसेस का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका सेम रहेगा, क्योंकि बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वो UY पे डिपेंड कर रहा है। तो UY के अलावा किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, x कंपोनेंट ऑफ स्पीड कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका y कंपोनेंट ऑफ स्पीड ज्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा, वो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। नोट कर लो बेटा फटाफट नोट कर लो बेटा। चलो बेटा अब जरा अपनी अगली डेरिवेशन देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2uy बाय g और 2u साइन थीटा बाय g। बेटर फॉर्म ये है कि आप uy वाले फॉर्मेट में याद रखो। चलो बेटा दूसरा है आपका मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन। मैक्सिमम हाइट देखो भाई, एट मैक्सिमम हाइट को बेटा जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो जीरो हो गया, वो जीरो हो गया। तो भाई अब एक काम करो, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay sy। यानी कि मैक्सिमम हाइट तो बेटा वाई वाई के अलोंग है ना, तो वी वाई की बात करो तो वो तो जीरो हो गया आपका, यू वाई है 2 × − g × और ये बेटा h हो गया आपका, तो h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर मैक्सिमम हाइट। जो मैक्सिमम हाइट है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, आप देखो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू वाई स्क्वायर। और बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू वाई को यू साइन थीटा लिखेंगे अगर हम, तो याद आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट के दो फॉर्मूले आपके पास हैं, एच इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2g या फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। इसी के साथ बेटा एक काम और करते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट, अगर बेटा मैक्सिमम हाइट क्या कहेंगे, थ्रू आउट द जर्नी वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस के अलोंग, दैट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो बेटा इसमें, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। थर्ड इज द टाइम ऑफ एसेंट का मतलब द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट is known as time of ascent।
उसी को बेटा टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है। तो फिर से वही सेम फंडा यूज करेंगे, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई जीरो है, तो वी वाई इज जीरो, इट शुड बी इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो बेटा जीरो इज इक्वल टू यू वाई माइनस ऑफ जी टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट बेटा आपका क्या आ गया, यू वाई बाई जी या फिर यू साइन थीटा बाई जी। आप अगर ध्यान से देखो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी या टू यू वाई बाई जी आया था, इसका मतलब बेटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा हाफ हो गया। यानी कि टोटल अगर मान लो 6 सेकंड लग रही है पूरे पार्टिकल का ना टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो उसमें से 3 सेकंड यहां से यहां तक 3 सेकंड और फिर बचा हुआ भी 3 सेकंड आएगा, वो अभी प्रूफ करता हूं। देखो देखो बेटा, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या होगा, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट से और ग्राउंड तक का पहुंचने का जो समय है वह समय टाइम ऑफ डिसेंट कहलाएगा। तो भाई टोटल जो टाइम आपका फ्लाइट का होता है वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होता है। टाइम ऑफ एसेंट आपका टी बाई टू है, अभी हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ से बेटा टाइम ऑफ डिसेंट भी आपका क्या आ गया, वो टी बाई टू आ गया, या फिर बेटा आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि टी डी इज इक्वल टू यू वाई बाई जी और यू कैन से यू साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ से क्या कमाल की बात है बेटा, एक बात तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमने एयर रेजिस्टेंस और जो है वो नेग्लेक्ट किया हुआ है, वो नेग्लेक्ट किया हुआ है। अगर हमने एयर रेजिस्टेंस से नेग्लेक्ट किया हुआ है तो उस केस में देखो ये रिजल्ट तभी आ रहे हैं हमारे पास सारे। तो बेटा टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब ये भी हो गया कि किसी पार्टिकल को देखो बेटा ए से बी और ये बेटा सी, तो ए से बी तक अगर किसी को टाइम टी बाई टू लगा है तो बेटा बी से सी भी उसको टी बाई टू ही लगेगा। जितना समय उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लग रहा है उतना ही समय उसको बेटा मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में भी लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो बेटा अगली चीज है, दैट इज रेंज, रेंज बतानी है आपको। तो रेंज बेटा क्या चीज है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग तो मोशन यूनिफॉर्म है, तो स्पीड उसकी यू एक्स है और टोटल समय जो वो रहा वो टी समय तक चला, तो यू एक्स इंटू टी बेटा, तो यू एक्स इंटू बेटा टी की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई, टू यू वाई बाई जी बेटा, या आप इसको ऐसे लिख लो आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई बाई जी। बेटा आप एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो आपका मैक्सिमम हाइट आया था वो यू वाई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी यू एक्स पे डिपेंड नहीं करता। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाय जी, और बेटा इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, आप अगर देखो कि टू कॉस थीटा साइन थीटा या टू साइन थीटा कॉस थीटा वो साइन टू थीटा बन गया बेटा। तो रेंज का एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया बेटा, रेंज जो है वो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, वो यू एक्स पे भी डिपेंड कर रही है और यू वाई पे भी डिपेंड कर रही है। और बेटा जो रेंज का एक और फॉर्मूला जो हम लिख सकते हैं दैट इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो ये बेटा इसकी डेरिवेशन थी, इसमें देखो जरा और काम की बातें मैं आपको बताता हूँ छोटे छोटे।
यहाँ से बेटा एक कंडीशन निकाल लेते, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, भाई रेंज का जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या है बेटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो बेटा फॉर ए गिवन स्पीड है ना, यू की वैल्यू तो फिक्स हो गई है, फॉर आर मैक्सिमम, आर को मैक्सिमम करने के लिए क्या करो, साइन टू थीटा की वैल्यू को वन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा वन ही हो सकती है। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि जो ये टू थीटा है ना, इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होगी, पाई बाई टू पर होगी, तो बेटा थीटा शुड बी इक्वल टू पाई बाई फोर और 45 डिग्री। इसका मतलब बेटा कि जब एंगल 45 डिग्री होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी रेंज आएगी वो रेंज मैक्सिमम होगी, और बेटा वो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू हम लिख सकते हैं, देखो अभी आपको लिख करके दिखाते हैं। आर मैक्स विल बी इक्वल टू, देखो बेटा क्या था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, तो रेंज मैक्सिमम जो होगी दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, ये आर मैक्स की वैल्यू होगी बेटा, आर मैक्स विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज बेटा। तो ये बात हमें समझ में आ गई। यहाँ पे देखो कुछ पहले क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देखो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। एक भी पार्टिकल है उसको ऐसे वेलोसिटी दी गई है, एक आई कैप प्लस सिक्स जी कैप, ठीक है, इज थ्रोन अंडर ग्रेविटी। आपको बेटा इसका क्या बताना है, यू टू फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज निकाल लो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, और बेटा मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट करो कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी उसकी। ये तीन चार चीजें बेटा आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। देखो भैया तो बेटा ये x कंपोनेंट है वेलोसिटी का और ये y कंपोनेंट है, तो आप क्या लिख सकते हो कि भाई यू एक्स इज इक्वल टू तो 8 मीटर पर सेकंड और यू वाई जो है वो 6 मीटर पर सेकंड हो गया बेटा। तो आप देखो कि इनिशियली जब आपने इसे थ्रो किया होगा थीटा एंगल के ऊपर, ये बेटा वेलोसिटी रही होगी, तो बेटा बेसिकली अगर आपको थीटा चाहिए तो देखो ये तो यू एक्स है और ये इधर यू वाई है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बेटा यू वाई बाय यू एक्स, तो यू वाई तो 6 है यू एक्स 8 है, तो बेटा 3/4 आ गया। इसका मतलब बेटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है ना, टेन थीटा 3/4 कहाँ पे होगा, 37 डिग्री के ऊपर। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट आपका आ गया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने निकाल दिया। दूसरा पार्ट आपसे पूछा है वो रेंज, तो भाई रेंज के लिए फॉर्मूला है 2ux uy/g, तो बेटा ये 8 है वो 6 है और g की वैल्यू 10 मान लेते हैं, ठीक है, तो रेंज आ गया बेटा 48/5 meter, ये आपकी रेंज आ गई। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2uy/g या 2u sin theta/g, तो बेटा uy की वैल्यू यहां पर कितनी है, uy की वैल्यू यहां पर 6 है डिवाइडेड बाय 10, तो बेटा ये आ जाएगा 6/5 second, ये इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है इतने समय तक ये हवा में रहेगा। फोर्थ इज मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था यू वाई स्क्वायर बाय 2g, तो यू वाई जो है यहां पर वो 6 है बेटा, 6 × 6/2 × 10, ये बेटा आपका कितना आ गया 9/5 meter।
ये डेटा हमें गिवन था, एक क्वेश्चन गिवन था बेटा, जो जो चीज़ें गिवन थी उसकी मदद से हमने क्या कर लिया, उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, नोट करो, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, पार्टिकल को 53 डिग्री पर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बेटा थ्रो कर दिया गया है। आपको इसका क्या बताना है, टू फाइंड वेलोसिटी, कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड का समय हो जाएगा ना, ये t इक्वल टू 0 है बेटा, तो t इक्वल टू 2 पर आपको क्या बताना है कि क्या उसकी स्पीड होगी, क्या उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा। देखो भैया, सबसे पहले क्या करो कि इसके दो कंपोनेंट कर लो। एक तो ये हो गया 100 cos 53 डिग्री बेटा, व्हिच इज 3/5, तो ये 60 मीटर पर सेकंड आ गया। और भाई ये इधर जो कंपोनेंट आएगा वो 100 sin 53 डिग्री, दैट इज 4/5, ये 80 मीटर पर सेकंड आ गया। तो भाई आपका जो x कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, वो 60 मीटर पर सेकंड है, y कंपोनेंट जो है वो 80 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस वो 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, हमें डायरेक्ट फॉर्मूले पता है, वही फॉर्मूले यूज करते हैं। वेलोसिटी की बात करें बेटा, तो वेलोसिटी में देखो क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक वी एक्स आई कैप होगा और एक वी वाई जी कैप होगा बेटा। तो देखो एक्स कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो थ्रू आउट सेम ही रहेगा, तो ये तो 60 आई कैप रहेगा बेटा। वी वाई जो है वो कैसे रहेगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इन टू टी, ये बेटा जी कैप। तो बेटा यू वाई की वैल्यू आपको 80 गिवन है, माइनस 10 इंटू और 2 सेकंड के बाद बात करी है, तो बेटा ये आ गया 60 आई कैप प्लस 60 जी कैप, ये बेटा वेलोसिटी आ गई। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड आपका कितना आ जाएगा, 60√2 मीटर पर सेकंड, अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो 60√2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड आ गई बेटा। आगे जो पूछा है वो इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं मैंने, है ना, सेकंड पार्ट कोऑर्डिनेट्स वाला। तो भी कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो पार्टिकल के पास दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू जो भी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है या जिस भी टाइम से हमसे पूछा गया है टाइम पे। तो यू एक्स तो है बेटा वो 60 और समय है 2 सेकंड, तो x कोऑर्डिनेट तो 120 मीटर मिलेगा। y कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो बेटा y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू यू वाई आपका है 80, समय 2 प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू 2 का स्क्वायर, 160 माइनस ये बेटा कितना हो जाएगा 2 माइनस 20, ये हो गया बेटा 140 मीटर्स। तो भाई जो कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए थे वो कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिल गए, वो कोऑर्डिनेट्स आपको मिले 120, 140। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल टी इक्वल टू 2 सेकंड। टी इक्वल टू 2 सेकंड पर ये कोऑर्डिनेट्स हैं भाई, और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। तो भाई एक बात तो, डिस्प्लेसमेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सोचो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल के इनिशियल कोऑर्डिनेट 0, 0, मान लो पार्टिकल किसी जिस भी टाइम पे आप बात कर रहे हो 120, 140 वो है, तो बेटा हमें तो ये लेंथ चाहिए, वो कैसे आ जाएगी, बड़ा सिंपल तरीका है।
अंडर रूट ऑफ 120 का स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर, ये जो भी वैल्यू आएगी बेटा यही क्या आ जाएगा, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। करो बेटा नोट करो इस क्वेश्चन को, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, फटाफट नोट करो। चलो बेटा बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो, मजे आ रहे होंगे। देखो भाई बढ़िया से सवाल करते हैं, हाउ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेरीज थ्रू आउट द मोशन। पूरे मोशन में बेटा ये जो स्पीड है वो कैसे वेरी करती है बेटा, ये समझो जरा। एक बात तो ये कि सर इस स्पीड के अंदर है ना दो कंपोनेंट रहेंगे, एक x कंपोनेंट और एक उसका y कंपोनेंट। बेटा ये जो x कंपोनेंट है ये कांस्टेंट रहेगा, ये कोई चेंज नहीं आता बेटा इसके अंदर, ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंज नहीं आता। हाँ ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा। तो अब आप एक बात देखो, जब आपने पार्टिकल फेंका है और जो मैक्सिमम स्पीड पे जब आप देख रहे हो तो मैक्सिमम स्पीड पर वी वाई जीरो हो गया है ना, यानी कि फ्रॉम ग्राउंड। भाई एक बात देखो कि इसका मतलब जैसे वी वाई वेरी करेगा ना, जैसे वी वाई वेरी करेगा वैसे टोटल स्पीड वेरी कर रही होगी, क्योंकि ये फैक्टर तो हमेशा जुड़ा हुआ है, अगर ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। सो फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक अगर आप बात करो बेटा तो क्या होगा, वी वाई डिक्रीजेस, वी वाई बेटा क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट, From ground to maximum height, ground से maximum height तक बेटा क्या होगा, speed increases, speed क्या होगी बेटा, increase होगी। अब ठीक है बेटा speed क्या होगी, increase होगी। आगे देखो बेटा कि अब यहां से जैसे जैसे नीचे आना शुरू हो गई तो क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड द वी वाई डिक्रीज, वी वाई इंक्रीजेस। बेटा ये मैंने लिख दिया ना, वी वाई डिक्रीज करेगा तो स्पीड भी डिक्रीज करेगी, एक से स्पीड भी डिक्रीज करेगी। सो फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड द वी वाई इंक्रीजेस, और वी वाई इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, स्पीड भी इंक्रीज करेगी। तो बेटा क्या होगा, फर्स्ट स्पीड इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस, देन इंक्रीजेस। पहले बेटा स्पीड घटेगी और फिर स्पीड बढ़ेगी, और ये बात मैंने आपको ये कहा हुआ है कि पार्टिकल हैज, ये ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं ये बात, पार्टिकल हैज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट,
टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर बेटा पार्टिकल की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट रहता है स्पीड का, ठीक है। नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट कर लो। देखो भाई और सवाल भैया सा, ये भी पार्टिकल नंबर वन, ये वाला नंबर दो और ये वाला नंबर तीन, ये तीन प्रोजेक्टाइल्स के पाठ आपको बता रखे हैं। उनको कंपेयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स, इनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा वो आपको कंपेयर करनी है। तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट जो है बेटा t इज इक्वल टू क्या होता है वो 2uy/g, इसका मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ uy पे डिपेंड करता है। आप ये देखोगे कि पार्टिकल नंबर वन और पार्टिकल नंबर टू की मैक्सिमम हाइट सेम है, तो बेटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है uy² / 2g, इसका मतलब जिसका uy ज्यादा उसकी मैक्सिमम हाइट भी ज्यादा। तो भाई यहां से एक बात देखो, यहां से मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि सर h1 = h2 है, ये जो फिगर है इस फिगर से क्या बोल सकता हूँ h1 = h2, इसका मतलब बेटा कि पार्टिकल नंबर वन और पार्टिकल नंबर टू की जो इनिशियल स्पीड है वो दोनों की बराबर है, और भाई दोनों की स्पीड बराबर है तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है। तो T1 और T2, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, बढ़िया सा सवाल है ये कि देखो दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, तो मैक्सिमम हाइट सेम है तो इसका मतलब UY सेम है दोनों के लिए, और UY सेम है तो बेटा इनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम आएगा। अब जरा 3 से और कंपेयर कर लेते हैं भाई, 3 का कंपैरिजन अगर मैं करूं तो एक बात देखो आप, पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 3 है ना, इसकी बात करते हैं। तो पार्टिकल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल नंबर 3 की जो मैक्सिमम हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट है बेटा वो क्या है, वो कम है। मैक्सिमम हाइट क्या है बेटा, वो कम है, तो सीधी सी बात है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैक्सिमम हाइट कम है तो यूवाई भी इसका कम होगा, और रेंज भी इससे भी कम है इसकी, तो इसका यूएक्स भी कम होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सिर्फ मुझे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कंपेयर करना था, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा सिर्फ यूवाई पे डिपेंड करता है। आप इसकी जो हाइट देखो मैक्सिमम हाइट बेटा बाकी के कंपैरिजन में कम है, इसका मतलब उसका यूवाई भी कम होगा, इसका मतलब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम होगा। तो बेटा T1 = T2 > T3, इसकी सबसे कम हाइट है, कम हाइट है तो यूवाई कम होगा, तो यूवाई इन दोनों से कम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी इससे कम होगा, ये आपका आ गया। देखो भैया बेटा, देखो भैया और सवाल, इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं बेटा, कुछ और हल्का सा और चीजें समझते हैं उसके थ्रू। ये बेटा ये पार्टिकल नंबर 1 और ये पार्टिकल नंबर 2, आपको बताना है आपको बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट में कंपेयर करना है। तो एक तो आपको क्या करना है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट में कंपेयर करना है T2 > T1, ऑप्शन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, और जो इनकी स्पीड है ये बेटा इनकी इनिशियल स्पीड है, U1 और U2 उनकी इनिशियल स्पीड है, T1 और T2 उनका टाइम ऑफ फ्लाइट है। देखो बेटा आप कैसे करें, ये बात सबको समझ में आ गई कि दोनों की सेम मैक्सिमम हाइट है, इसका मतलब uy1 = uy2 और इसका मतलब बेटा T1 = T2, तो एक ऑप्शन तो आपका बी आ चुका है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब स्पीड का और कंपेयर करो, देखो भाई स्पीड के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं ना, ये जो स्पीड की आप बात कर
रहे हो बेटा, एक इसमें x कंपोनेंट है और एक इसका y कंपोनेंट है, तो y कंपोनेंट दोनों के लिए सेम है, तो y कंपोनेंट को कंपेयर ही मत करो। अगर टोटल स्पीड आपको देखनी है, उसमें दो चीजें हैं, दो में से एक चीज दोनों के लिए हमेशा सेम है, तो अब जो एक चीज जो वेरी करेगी उसी के अकॉर्डिंग टोटल स्पीड वेरी कर जाएगी। तो बस आपको ये देखना है कि x किसके लिए ज्यादा है। तो भाई मैं एक बात देखूं कि इसके लिए रेंज R1 अगर मैं लिखूं और दूसरे वाले के लिए रेंज R2 अगर मैं लिखूं, तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि सर रेंज R2 ज्यादा है रेंज R1 से, रेंज R2 ज्यादा है रेंज R1 से। और भाई रेंज जो है, रेंज तो x और y दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, वो तो आप ऐसे लिखते हो यू एक्स यू वाई बाई जी, यू वाई दोनों के लिए सेम है, यू वाई दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब जिसका यू एक्स ज्यादा उसकी रेंज ज्यादा है ना बेटा, ये दोनों के लिए सेम है, तो जिसकी रेंज ज्यादा होगी उसका यू एक्स ज्यादा होगा। तो भाई यू एक्स यहाँ पे किसका ज्यादा है, यू एक्स पार्टिकल नंबर दो का ज्यादा है, तो यू एक्स टू ग्रेटर देन यू एक्स वन। इसका मतलब बेटा ये भी हो गया कि जो स्पीड ऑफ पार्टिकल टू है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल वन से ज्यादा है, यू टू इज ग्रेटर देन यू वन। सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर ऑप्शन बी एंड डी, दोनों ऑप्शन करेक्ट है इस केस में, ऑप्शन बी भी बेटा और ऑप्शन डी भी। नोट करो बेटा जल्दी से, नोट करो ये क्वेश्चन। एक बेटा अभी हमने बात की कि जो मैक्सिमम जो रेंज है वो कहां पे मिलेगी, वो आपको 45 डिग्री के ऊपर मिलेगी, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री के ऊपर मिलेगी। एक बार तो बेटा जो भी आपने बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी होगी, जो लॉन्ग जंपर्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं कि किस पे वो जंप कर पाए, 45 डिग्री पे जंप करें, ताकि उनका जो रेंज आए, जो लॉन्ग जंप डिस्टेंस आए वो मैक्सिमम आए। तो उसी में बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जरा कि भाई आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल को बेटा क्या कर दिया, यू फिक्स है, यू को फिक्स कर दिया आपने, and now theta is varied from 0 degree to 90 degree beta। यानी कि बेटा आप ऐसे कर रहे हो, मान लिया एक बार आपने 1 degree पे projection किया, फिर range देखी, फिर 2 पे देखा, फिर range देखी 3 4 5, ऐसे आपने 90 degree तक gradually आप angle of projection बढ़ाते जा रहे हो, तो range में क्या फर्क पड़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ के घट रहा है कि same है, जो भी है वो बताना है आपको। तो भाई रेंज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, ये फॉर्मूला था, इसको ऐसे समझ लो। तो भाई रेंज की जो वैल्यू आई थी मैक्सिमम वो साइन टू थीटा पे आई थी बेटा, तो साइन टू थीटा का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो बेटा ऐसा बनता है, साइन ऑफ टू थीटा, यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, लेकिन जब वो वैल्यू 1 आती है उस टाइम पे एंगल होता है पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, और ये बेटा पाई बाई 2 हो जाता है। ये इस तरह का ग्राफ बनता है बेटा, साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाओगे तो इस तरह का बनेगा बेटा, कि आप देखोगे जब आप साइन 45 डिग्री जब रखोगे तो एक्चुअल में 90 डिग्री वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो वही हो रहा है, जब आप 45 डिग्री रखोगे तो 90 वाली वैल्यू आ रही है, तो ये ग्राफ इसका बन रहा है। तो भाई आप यहां से देखो कि 90 45 डिग्री से कम पे भी रेंज घट रही है और 45 से ज्यादा पे भी घट रही है, इसका मतलब अगर मैं 0 से पहले 45 डिग्री तक आया तो क्या हुआ, फर्स्ट रेंज इंक्रीजेस और भाई उसके बाद रेंज घटनी शुरू होगी, देन रेंज डिक्रीजेस। तो बेटा पहले 45 डिग्री तक जो आपकी रेंज है वो बढ़ेगी, फिर 45 से 90 पे घटेगी। लेकिन आप एक बात ये भी देखना बेटा कि सोचो ये सेम वैल्यू ऑफ रेंज मिलेगी आपको, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो बेटा कि 45 डिग्री प्लस अल्फा और 45 डिग्री माइनस अल्फा दोनों पे आपको क्या मिलने वाला है बेटा, इन दोनों एंगल्स पे आपको सेम ही रेंज मिलेगी। यानी कि अगर आप अल्फा एंगल कम कर लो चाहे अल्फा एंगल बढ़ा लो 45 डिग्री से बेटा, उतना ही आपको क्या होने वाला है बेटा, उससे ही रेंज आपको मिलने वाली है। एक बार तो ये तो इसका जवाब हो गया बेटा कि रेंज पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है। इसमें एक और बढ़िया सा सवाल करके दिखाते हैं बेटा आपको।
दोनों की स्पीड सेम ही है बेटा, ये 42 डिग्री एंगल और ये 49 डिग्री एंगल, ये पार्टिकल नंबर वन पार्टिकल नंबर टू, आपको बेटा इनकी रेंज कंपेयर करनी है। आर वन बराबर आर टू, आर वन ग्रेटर देन आर टू, आर टू ग्रेटर देन आर वन, और बेटा डाटा इनसफिशियंट, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो भैया सीधी सी बात है, अभी हमने देखा है कि 45 डिग्री से अगर आप सिमेट्रिक चलोगे तो सिमेट्रिक ही डिक्रीज होगा रेंज के अंदर। इसको समझने का दूसरा तरीका ये है कि भाई जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री के जितना ज्यादा पास रहेगा उसकी रेंज उतनी ज्यादा होगी, है ना। एक एंगल तो मान लो इसके यहां पे है और एक एंगल यहां पे है उल्टा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो रेंज कम आई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज ज्यादा आई। तो यहां पे हम एक नोट लिख सकते हैं बेटा, क्या कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री के ज्यादा पास होगा, उसकी रेंज ज्यादा होगी, तो जैसे मैं बात करूं 45 और 45 के बीच में तो 3 डिग्री का अंतर है, 45 और 49 के बीच 4 डिग्री का अंतर है, तो बेटा 42 वाला ज्यादा पास है तो रेंज वन ज्यादा होगी रेंज टू से। जिसका भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री के ज्यादा पास होगा बेटा, जितना ज्यादा पास होगा वही क्या होगा बेटा, उसकी रेंज उतनी ही ज्यादा होगी। नोट करो बेटा, ये बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट आपको बताया है कि रेंज को हम कैसे कंपेयर करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। चलो बेटा, नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर उसका प्रोजेक्शन क्या होगा इसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या एनालिसिस है ये देखते हैं। पहली बात तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेटा टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, बेटा जिसका जोड़ 90 डिग्री बन जाए, यानी कि बेटा मान लो आपके पास दो एंगल है अल्फा और एक बीटा, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा को क्या होना पड़ेगा, वो 90 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेंज के लिए बात कर लेते हैं बेटा, रेंज कि रेंज पे क्या फर्क पड़े। आपने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल है बेटा उसको अल्फा एंगल पर यू स्पीड से फेंक दिया, तो इसके लिए आर वन पार्टिकल नंबर वन है बेटा, उसकी उसका रेंज कैसे लिखोगे आप, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, सिंपल अल्फा है तो अल्फा लिख दो ये। अब आपने सेम स्पीड के साथ, इस बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने रखा 90 माइनस अल्फा रखा बेटा, तो उस केस में देखो आपकी रेंज क्या आएगी, u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस अल्फा बाय जी, तो बेटा R2 is equal to कितना बन गया ये, साइन स्क्वायर साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा बाय जी, तो बेटा ये तो आ गया R2 is equal to U स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। तो भाई इक्वेशन नंबर वन यानी R1 और R2 को कंपेयर करो तो यहां से क्या पता लग गया, R1 बराबर R2, यानी कि बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रेंज बराबर होगी,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रेंज बराबर होगी एट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शंस, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज सेम रहेगा बेटा। दूसरी बात, और ये बात ध्यान रखना, फॉर अ गिवन स्पीड, दोनों ही केस में यू मैंने फिक्स रखा बेटा, यू फिक्स दे ना, कोई एक पैरामीटर तो फिक्स रखना पड़ेगा, तो ही कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इफ रेंज इज सेम देन एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब बेटा ये है कि आप सेम स्पीड से या तो पार्टिकल को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दो या 30 पे कर दो या फिर 60 पे, दोनों की रेंज सेम आएगी। 40 पे कर दो या फिर दूसरा 50 पे कर दो, यानी कि दो का सम जब क्या बन जाएगा, 90 डिग्री जब बनेगा, ऐसे दो एंगल का प्रोजेक्शन आप करोगे तो बेटा उस केस में उनकी रेंज सेम आएगी। उनकी रेंज क्या आएगी बेटा, सेम। और अगर रेंज सेम आए तो ये मान लेना कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दोनों के, वो कैसे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री पे बेटा जरा मैक्सिमम हाइट और उनका भी देख लेते हैं कि क्या रिलेशन रहेगा। मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम हाइट तो भाई जिसको अल्फा पे फेंकोगे वो क्या रहेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह अल्फा बाय 2g। दूसरे वाले के लिए h2 क्या रहेगा भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बाय 2g। तो बेटा h2 की वैल्यू ये क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर ये cos बन जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2g। तो बेटा यहां से क्या समझ में आ गया कि h1 बाय h2 तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, और ये हो गया बेटा यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय 2g। तो इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आया h1 बाई h2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ना अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उस केस में h1 बाई h2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। सिमिलरली मैं भाई एक और कैलकुलेट कर लेता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो पहले वाले पार्टिकल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट करेगा 2u साइन अल्फा बाय जी, दूसरे वाले पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट करेगा 2u साइन 90 माइनस अल्फा बाय जी। ये आ गया 2u कॉस अल्फा बाय जी। तो भाई यहां से t1 बाय t2 आपका क्या आ गया, वो आ गया 10 अल्फा। तो ये आपके रिलेशन आ गए बेटा किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो हाइट का, और भाई रेंज तो सेम ही रहेगा। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही पार्ट हम रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे कुछ और पार्ट हम करेंगे, कुछ और इसका क्वेश्चन बचा हुआ करेंगे। थैंक यू।